ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग वॉज के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी यूनिट्स की कॉस्ट का हिस्सा बना रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यू का हिस्सा बना रहा है. और अगर वो यूनिट्स बिक रहे हैं तो उनको कॉस्ट मान रहा है, खर्चा मान रहा है. अगर कि वो यूनिट्स नहीं बिक रहे हैं तो उसको अपना एसेट यानी इन्वेंट्री मान रहा है. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने का उसका तरीका क्या है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले स्टॉक की वैल्यू में जाएंगे और बाद में जब स्टॉक बिक जाएगा तो वो जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग ऑन द अदर हैंड ये मान रहा था कि फिक्स्ड खर्चा इमीडिएटली एक्सपेंस मान लेना चाहिए, लिहाजा उसको यूनिट्स की वैल्यू में एब्जॉर्ब करने करके इन्वेंट्री में डालना और इन्वेंट्री के बिकने के टाइम पे उसको खर्चा मानना मुनासिब नहीं है. तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू बनेगी $66, और अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 1.25 भी उसकी वैल्यू का हिस्सा बनेगा और हमारा एक यूनिट बन जाएगा 67.25 का. अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हम कर रहे हैं कि देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी. यानी अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो वो पिछले महीने का खर्चा इस महीने में ले आती. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेगी, इस महीने का खर्चा उठा के अगले महीने में लेके जाएगी. ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले महीने का खर्चा इस महीने में ले आएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री इस महीने का खर्चा अगले महीने में लेके जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट में फर्क आ सकता है. अच्छा, ये हमने कर दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत. अब हम इस सेम क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में हम क्या रखते हैं, सेल्स रेवेन्यू. भाई यूनिट तो आप उतने में ही बेचोगे, चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करें या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें. इन दोनों से कॉस्टिंग पे फर्क आता है, प्राइसिंग पे कोई फर्क नहीं आता. तो हमने सेल्स की है 43,200,000 की. अब हम इसमें से माइनस करेंगे. वैसे हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल. अब हम माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल. हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली. सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी. मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग इन्वेंटरी भी वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी है ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड वेरिएबल ओवरहेड्स है. ऊपर हम कर चुके हैं 11,200,000 की का डायरेक्ट मटेरियल है. फोर फोर एट जीरो का लेबर है. और वेरिएबल ओवरहेड 2.8 मिलियन का है. बस दैट्स इट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगले स्टेप में क्या करता था कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी
इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का और क्लोजिंग इन्वेंटरी का हिस्सा बनाता था, लेकिन हम अब जो अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे उसमें फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे देखें 11.24480 प्लस 2800, इसमें हमने यूनिट्स बनाए कितने हैं, 280,000। तो एक यूनिट हमें पड़ रहा है 66 का और अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं, 40,000। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 26,40,000। ये हम सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हमें एक यूनिट पड़ रहा है 66 का और यूनिट्स हमने बेचे कितने हैं, 240,000। तो ये बना 15,840,000 का। सेल्स रेवेन्यू में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर रहे हैं तो ये आ रही है 27,360,000। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट दो होती हैं, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट कभी कभी सेलिंग भी होती है। मिसाल अगर हमारी सेल्स मैनेजमेंट को हम कोई कमीशन देते हैं या सेल्समैन को हम कोई कमीशन देते हैं हर यूनिट बेचने पर, या हमें डिलीवरी चार्जेस बियर करनी पड़ती हैं जितने भी यूनिट सेल होते हैं, तो जो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस करने के बाद आएगा ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, बजटेड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है 320, वेरिएबल कोई भी नहीं है। नहीं तो हम पहले प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑब्वियसली सेम ही होगा। मैं एक्सिस का थोड़ा स्पेस बना लूं। Okay.
सेल्स रेवेन्यू मिशन अगर कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होती तो वो माइनस करते, तो ये बन जाएगा हमारा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हमने तमाम तर वेरिएबल कॉस्ट्स माइनस कर दी, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तमाम तर फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक हमारे पास है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और दूसरी हमारे पास है फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। तो हमारी एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई थी? 4 लाख। हमने 4 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट यहां से फिक्स माइनस कर दी और फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी थी? 3,20,000। तो हम कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। सो 27,360 माइनस 4 लाख माइनस 3,20 26,000,000 6,40,000 ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कितना दिखाया है? 26,690,000। और मार्जिनल कॉस्टिंग ने दिखाया 26,640,000। दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं है। किसका प्रॉफिट ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, क्यों? अब इसका कॉन्सेप्ट देखना। जब भी क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा होगी ओपनिंग इन्वेंटरी से, ओपनिंग इन्वेंटरी यानी वो फिक्स्ड कॉस्ट जो पिछले महीने की आप यहां पे लेके आए हैं, और क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब वो खर्चा जो इस महीने का आप अगले महीने लेके गए हैं। तो आप अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा दिखाएंगे ओपनिंग इन्वेंटरी के मुकाबले में, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग will report higher profit। concept clear है? देखो repeat कर रहे हैं, जितना भी opening stock होगा absorption में भी वही होगा, marginal में भी वही होगा, लेकिन number of units में। दोनों में फर्क क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ओपनिंग इन्वेंटरी पिछले महीने की फिक्स्ड कॉस्ट को भी यहां लेके आएगी। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ओपनिंग इन्वेंटरी जहां पिछले महीने का डायरेक्ट मटेरियल लेके आएगी, जहां पिछले महीने का डायरेक्ट लेबर लेके आएगी,
जहां पिछले महीने का वेरिएबल ओवरहेड लेके आएगी, वहां पिछले महीने की फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी लेके आएगी। बाकी तीन खर्चे तो मार्जिनल भी ला रहा है, वहां पे इन दोनों का कोई तजाद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पिछले महीने का यहां से लेके आएगा, इस अमाउंट से प्रॉफिट गिरेगा। क्यों? क्योंकि खर्चा पिछले महीने का था, भरेगा ये महीना, तो पिछले मंथ की कॉस्ट अगर आप इस मंथ को चार्ज करेंगे तो इस मंथ का प्रॉफिट बैठ जाएगा। जबकि क्लोजिंग स्टॉक क्या काम करता है, वैल्यूएशन दोनों की सेम होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स, इनटू फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इस महीने का खर्चा उठा के अगले महीने लेके जाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हम रिकंसिलिएशन करते हैं। आप उठाते हैं प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। इस वाले क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 26 मिलियन 6,40,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट इससे ज्यादा होगा या कम होगा? तो हम पहले रखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड इन ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी में जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड होगा वो पिछले महीने का इस साल में आएगा, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी है ही नहीं, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी से क्या होगा कि इस महीने का खर्चा अगले साल चला जाएगा, इस अगले महीने चला जाएगा, तो आपकी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हम देखें हमारा ओएआर पर यूनिट कितना था। इस क्वेश्चन में हमारा ओएआर पर यूनिट था 1.25 और यूनिट्स कितने हैं 40,000। यानी इस महीने का, जनवरी के महीने का 50,000 रुपए का खर्चा उठ के फरवरी के गले में आ गया, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 50,000 रुपए ज्यादा होगा। So this would be the profit reported by absorption costing. Concept clear है या अगर कोई confusion है तो पूछ सकते हैं। बात ये चल रही है कि opening stock पिछले महीने का खर्चा उठा के इस महीने को डाल देगा, इस महीने ने अपना खर्चा भी भरना है और पिछले महीने का भी खर्चा भरना है, तो इस बेचारे का प्रॉफिट बैठ जाएगा।
लेकिन शुक्र अदा कीजिए क्लोजिंग स्टॉक का, जो इस महीने का खर्चा उठा के फिर अगले महीने लेके जाता है। तो जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इस महीने का खर्चा उठाएगी अगले महीने के लिए, तो इस महीने आपका प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी रिकंसाइल द प्रॉफिट। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इसको एक नजर देखें। कह रहा है व्हेन ओपनिंग इन्वेंटरीज वर 8500 लीटर्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी वर 6750 लीटर्स, यानी ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है। अ फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ 62100 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, अज्यूमिंग द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज $3 पर लीटर, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, योर टास्क। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। Absorption costing is reporting more profit. That is of 5000 than marginal costing. अच्छा, अब 5000 का difference है। OAR हमें पता है, OAR वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पर आके डिवाइड होगा, दैट इज ऑफ $2। तो 2500 यूनिट्स का डिफरेंस तो है, दैट मींस के 2500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है। अब आपने बेचे अगर है 10,000 यूनिट्स, और आपने बचाए हैं ज्यादा यूनिट्स, यानी ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग है, तो इस महीने या इस साल आपने बनाए होंगे 12,500 units. So D is the correct option. Fair? किसी को कोई confusion हो तो पूछ सकते हैं। No? चलो मैं एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन वन नोट में लाता हूं, एक मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। देयर वी गो, क्वेश्चन इज फ्रॉम स्प्रिंग 2015। इट सेज सिग्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट ए, सिग्मा लिमिटेड ऑपरेट्स at a normal capacity of 90% against its available annual capacity of 50,000. अच्छा, अब इसकी कैपेसिटी हम निकालेंगे। OAR निकालने के लिए budgeted level of activity या फिर normal level of activity। तो इसने कहा कि इसकी available activity है, capacity है 50,000 आवर्स, जिसमें से हम नॉर्मली वर्क करते हैं 90% कैपेसिटी पे।
तो हमारी जो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है दैट इज 45,000 आवर्स एंड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. द फॉलोइंग समराइज्ड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स आर वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिग्मा लिमिटेड्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2015. अच्छा, ये एक्चुअल है और ये बजटेड है. यहां से आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 600 यूनिट्स रह गए थे 2014 में, जो 2015 में ओपनिंग स्टॉक आके आए होके आए हैं. तो क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा है, दैट मींस के इस 54 लाख रुपए में 5,400,000 में 2014 का फैक्ट्री ओवरहेड भी शामिल होगा. 2014 का खर्चा 2015 में भेज दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने, ये तो भाई की फितरत है. अच्छा, 600 यूनिट्स हम वहां से लेके आए, 4,500 हमने और बनाए और 500 रह गए. यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालें तो 600 का ओपनिंग स्टॉक था, फिर 4,500 हमने बनाए माइनस 500 हमारे पास अनसोल्ड मौजूद है, तो हमने बेच कितने दिए 4,600 यूनिट्स. तो इस साल हमने 4,600 यूनिट्स बेचे हैं, जिसमें से 600 पुराने थे, 4,500 नए बनाए थे और 500 बच गए हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कम है. तो इस 500 में हम 2015 का खर्चा उठा के 2016 में लेके गए होंगे, और यहां 5,400 में हम 2014 का खर्चा उठा के 2015 में लेके आए होंगे. अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन में यह बता रहा है कि 100 यानी 1,00,000 की अंडर एब्जॉर्प्शन भी थी, तो जो एक्चुअल खर्चा आया होगा वो 1,00,000 रुपए ज्यादा आया होगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एंड एक्चुअल. तो आपने जितना एब्जॉर्ब किया और एक्चुअल में 1,00,000 रुपए का फर्क है. आपने एब्जॉर्ब किया कम, एक्चुअल 1,00,000 रुपए ज्यादा आया है. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 30% फिक्स्ड है, वो 30,00,000 का था 2014 में और 52,50,000 का एक्सपेक्टेड है 2015 में. लेकिन ये क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री का ऐसा नहीं बनेगा, ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर. स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट 2014 में भी 10 घंटे लगते थे, 2015 में भी 10 घंटे लगते थे. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर आवर, ये है क्या? ये है हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. लेकिन ठहरिए, कल मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ओएआर है या फैक्ट्री ओएआर है, मोहतात रहना. ये कह रहा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. फिक्स लिखा कहीं पे? फिक्स तो नहीं लिखा. दैट मींस के इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड हैं. इसमें वेरिएबल भी ओवरहेड भी शामिल है और फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी शामिल है. अच्छा, आगे चलते हैं. एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी. तो अगर हम 2014 का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें, जो कि कंपनी कर रही है पर मशीन आवर, तो 2014 में एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, यानी बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था? 36,00,000. हमारा ओएआर निकालने का तरीकाकार क्या होता है? फिक्स्ड बजटेड
प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहां पे हमने देखा था हमारी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है, 45,000 मशीन आवर्स। तो 2014 का OAR पर मशीन आवर कितना है फिक्स्ड, इट इज 80 पर मशीन आवर। और यहां पे देखो एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 10। हर एक यूनिट 10 घंटे लेता है, तो जब मैं इसको 10 घंटों से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 800 रुपए पर यूनिट। अच्छा अब हमें देखो 2014 में प्रोडक्शन OAR कितना है 2000 का पर यूनिट। इसमें से फिक्स्ड कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया 800 रुपए पर यूनिट, तो बाकी 1200 वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ये हो गया 2014। आप मुझे ये बताएं कि 2015 का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है और वेरिएबल कितना है। ओवर टू यू। 2015 का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। करेक्ट। तो जो हम कल पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे कि आपने बड़ा मोहतात रहना है, अलर्ट रहना है कि OAR फिक्स्ड है या प्रोडक्शन है। अगर फैक्ट्री या प्रोडक्शन है तो यानी उसमें दोनों शामिल है, तो इसमें 2000 और 2250 जो 2014 और 2015 के इसमें दोनों शामिल थे। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2014 के आए थे जिसमें हमने 44,000 मशीन आवर्स काम किया था। लेट्स से हम 2014 का ऐसे ही अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। 2015 अभी आया नहीं है, वो बजट में है, तो उसका अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन अभी पता नहीं चल सकता। 2014 में हमने एब्जॉर्ब कितना किया होगा, ये एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है। आपने एक्चुअली 44,000 मशीन आवर्स चलाए हैं, तो आपका OAR एब्जॉर्ब्ड OAR कितना है, एक है 80 रुपए पर मशीन आवर और वेरिएबल कितना था 1200 रुपए डिवाइडेड बाय 10 यानी 120 रुपए पर मशीन आवर। तो 2014 में आपका OAR था 200 रुपए पर आर, मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। एक्चुअल एक्टिविटी आपकी चली थी 44,000 आवर्स। तो आपका टोटल एब्जॉर्ब खर्चा है 8.8 मिलियन। अच्छा इसमें से फिक्स्ड एब्जॉर्ब कितना है,
80 मल्टीप्लाई बाय 44,000 आवर्स, पैंतीस लाख बीस हजार ये फिक्स था। अच्छा, आपको क्वेश्चन में वाजे है कि एब्जॉर्ब आपने इतना किया था जबकि अंडर एब्जॉर्ब कितना था, लाख रुपए से। तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना आया होगा, पैंतीस बीस तो एब्जॉर्ब था, एक्चुअल लाख यूनिट लाख रुपए ज्यादा था, तो 36,20,000 आपका एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड था। बहरहाल अब हम रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में घुमाया है। पहला थ्योरी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर और ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दो मार्क्स का है जिसमें आप लिखोगे कि कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अपना एक ओएआर प्री डिटरमिन करके रखना होता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, सो दैट हर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे हम उस कॉस्ट को इन्वेंटरी वैल्यू का पार्ट बनाते जाएं। बट व्हेन द एक्चुअल पीरियड्स एक्सपायर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड इज अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। एनालाइज द अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ एसएल फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2014 इनटू स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस। ये वेरिएंसेस हम जब करेंगे, ये रिक्वायरमेंट हम तब करेंगे, अभी हमारे काम की रिक्वायरमेंट सी है। प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को रीप्रिपेयर करना है, बजटेड प्रॉफिट लॉस बनानी है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, अब ये काम मैं आपको देख के जा रहा हूं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं वापस। 2015 की सेल्स कितनी है, 56,580,000। तो रिगार्डलेस आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें या कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करें, आपकी सेल्स पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। फिर आते हैं, माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आप वेरिएबल ओपनिंग स्टॉक लेके आएंगे तो 600 यूनिट्स तो सही है, लेकिन इस 5,400 के अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल है। और 2014 का ओएआर कितना था, 800 रुपए पर यूनिट। दैट मींस कि इन 600 यूनिट्स में 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल है जो कि पिछले साल का था। एब्जॉर्प्शन तो मानता है, मार्जिनल नहीं मानता। तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक रखेंगे तो इस 5,400 में से पिछले साल 2014 का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हटा देंगे। फिर आपने 4,500 यूनिट्स बनाए हैं 2015 में, तो ये जो 44,325,000 है इसके अंदर 2015 का ओएआर जो कि 900 रुपए पर यूनिट आपने मुझे बताया है, ये शामिल होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल नहीं करेगा। तो आप इस 44,325,000 में से 900 रुपए वाला ओएआर निकाल देंगे, ये बन जाएगी आपकी बाकी वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी 900 वाला फिक्स्ड खर्चा शामिल होगा, उसको आप हटा देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक भी वेरिएबल कॉस्ट पे रखेंगे, 4,500 यूनिट जो बना है उसको भी वेरिएबल कॉस्ट पे रखेंगे, और जो 500 यूनिट्स नहीं बिके क्लोजिंग स्टॉक उसको भी वेरिएबल कॉस्ट पे रखेंगे।
ये आ जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर सेलिंग एंड एडमिन में से 5250 में से 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है। वो जो 70% वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो आप माइनस करेंगे ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन में से, बाकी बच जाएगी नेट कॉन्ट्रीब्यूशन। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिर आप माइनस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बजटेड जो 2015 का है, एंड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट फिक्स्ड जो के 30% है, तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। सी पार्ट में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, और डी में आपने फिर उसको रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल यू करना है कि उसका प्रॉफिट जो 65,30,000 है एब्जॉर्प्शन का, और मार्जिनल का जो आप कैलकुलेट करोगे, दोनों में फर्क की वजह जो OARs है 800 रुपए और 900 रुपए का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, उसको रिवर्स करेंगे तो आपका प्रॉफिट रिकनसाइल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आपको मैं टारगेट दे रहा हूं, आप ये सी पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, और हमजा इसमें देखें कि हमारे पास जो 600 यूनिट्स पड़े हैं 2014 से, उसकी वैल्यू उसने रखी है 5,400,000 यानी 5,400 रखी है। लेकिन इस 5,400 में फिक्स्ड खर्चा 2014 का भी शामिल होगा, और 2014 में हम फिक्स खर्चा किस रेट पे शामिल करते थे, 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से शामिल करते थे। तो इसके अंदर 800 रुपए वाला शामिल भी खर्चा मौजूद होगा, तो उसको आप यहां से जब हटा देंगे 5,400 में से, तो आपकी ओपनिंग स्टॉक की बाकी वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। फॉर्मेट आप बासित समझ लें, हमने पहले क्या रखना है, पहले आपने रखना है सेल्स रेवेन्यू जो कि सेम रहेगा, इसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसमें आप क्या क्या रखेंगे, पहले आप रखेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 5,400, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है, तो वो आप हटा के रखेंगे। फिर आप रखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो ये 44,325,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, इसके अंदर 2015 का फिक्स्ड ओवरहेड 900 रुपए पर यूनिट वाला शामिल है, आप उसको यहां से हटा देंगे। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सेम काम होगा, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 4925, इस 4925 में 2015 वाला फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी एब्जॉर्ब्ड है, आप उसको भी यहां से हटा देंगे। तो सेल्स में से आप रखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन कॉस्ट, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है, यानी इस 5250 का 70% वेरिएबल है, वो आप यहां से माइनस करेंगे। तो ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से फिर आप माइनस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, यह आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो याद रहे ओपनिंग स्टॉक में
पिछले साल वाला फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होगा जो कि 800 रुपए पर यूनिट का है, और इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक में इस साल वाला प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल होगा जो कि 900 रुपए पर यूनिट वाला है। हमजा, 800 यूनिट्स की ट्रीटमेंट नहीं है, 600 यूनिट्स की ट्रीटमेंट है। मैं ये बात कर रहा था कि इस 5400 में से आप क्या करेंगे। देखिए, आपके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, लेकिन इसमें पिछले साल का फिक्स्ड खर्चा भी शामिल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो पिछले साल का है ना, वो निकाल देते हैं। पिछले साल हम एब्जॉर्ब किस बेसिस पे करते थे, 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और ये यूनिट्स कितने हैं, 600। तो 800 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 600, इसमें 480,000 का फिक्स खर्चा भी शामिल है। तो जब मैं फिक्स खर्चा हटा दूंगा, अपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में से, तो बाकी बन जाएगी 49,20। ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, सेम आप रिपीट करोगे फॉर 4500 यूनिट जो आपने बनाए हैं, उसमें इस साल वाला फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होगा, और 500 की क्लोजिंग स्टॉक में भी इस साल वाला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट शामिल होगा। वो एक्सक्लूड करके आप पूरी स्टेटमेंट को घुमा के मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं, नहीं तो स्प्रिंग 2015 आप नोट कर लें, और इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने अटेम्प्ट कर लेना है। आपकी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी तो हम उतना ही स्पीड पकड़ सकेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।